फाइनली हम पहुंच गए हैं राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, और यहाँ पे देखिए लंबी लाइन है भाई, मेरा बहुत लंबी लाइन है। तो सफ़र को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारी दो चार पब्लिक है, उनका चंद शब्दों में स्वागत करना चाहते हैं। तो भैया, हम पहले ही बता दें कि इस वीडियो में हमने की है मेहनत, पहले के मुकाबले जो कहते हैं सस्ती एडिटिंग और हमारे आलसीपन होने की गवाह देती है, पर इसमें कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। थोड़ा इंट्रो डाल दिए और सफ़र की कहानी को आवाज़ दे दी है। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पिछले भाग में हम पहुंच गए पटना बिहार, और एकदम प्लान स्वरूप अगले दिन नींद का त्याग करके 2:30 बजे हम निकल गए राजगीर के लिए। रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी पटना स्टेशन जाना है। देखिए रास्ता पूरा खाली है और गाड़ी जब तक नहीं मिलती है तब तक ऐसी पैदल चलना होगा, और 3:30 बजे ट्रेन है। लगभग एक घंटा नहीं सॉरी 45 मिनट जिस हिसाब से बोला जाए, और वहाँ से राजगीर स्टेशन जाना है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, तो हम पहुंच गए राजगीर स्टेशन और हमारी मुलाकात हुई कुछ भैया जी लोगों से, जिनका स्वागत भाई साहब भोजपुरी स्टाइल एकदम कमाल और जकास, और कुछ ही वक्त में ना टूटने वाले रिश्ते उनसे बन गया, और हम सब निकल पड़े एक ही गाड़ी में राजगीर के सफ़र के लिए। बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम 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 बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम 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 यहाँ चलती। भैया जी, ये हमारे कुछ और लोग साथी तो साथ में अच्छे लग रहे। और हम पहुंच गए एकदम सुबह सुबह राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। देख रहे हो लंबी लाइन, हमारा तो दिमाग ही हिल गया, लेकिन भैया जी लोगों के आशीर्वाद से कुछ जुगाड़ करके टिकट मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यह हुई कि भैया जी लोगों का एंट्री का टाइमिंग और हमारा टाइमिंग अलग अलग था, 1 और 2 बजे। तो हमारे पास वक्त था बहुत, क्योंकि एंट्री का समय दोपहर 2 बजे का था और अभी केवल 10 बज रहे थे। तो हम निकल गए दूसरी जगह का जायजा करने, लेकिन भैया जी लोगों के बिना। हम पहुंच गए विश्व शांति स्तूप, जो राजगीर के रत्नागिर पहाड़ पर स्थित था, एक जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल, जहां पर या चढ़ाई करके जाया जा सकता था या फिर जिप लाइन से। तो भैया हमें तो चाहिए था एडवेंचर, इसी के लिए हम लोगों ने 100 का टिकट लिया और चढ़ गए जिप लाइन पर, पहुंच गए बुद्धिस्ट टेम्पल। सचमुच में बहुत मज़ा आ गया ये चीज़ एक्सपीरियंस करने में। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। और फाइनली हम जहाँ पर पहुँचना था ऊपर से, वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये भैया नहीं भैया, और ये रहा हमारा अंतिम आउटपुट। यह
यहाँ का कार्यक्रम ख़त्म करके फाइनली हम दर्शन देने चले गए राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, और कुछ वक्त इधर उधर घूमे, सिनेमा विनेमा भी देखे कुछ समुद्री जीवों के बारे में। कौन सा मूवी देखने जा रहे हैं? फिलहाल तो जू सफारी में देखने जा रहा हूँ। जंगल में मंगल काफी सही चीज है, नहीं आगे बैठा जाए। मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों। तो भैया कुछ वक्त के बाद हम सब बस का सफर करने लगे उस जगह के लिए जो आखिर आ ही गया था, जिसके लिए हम अपनी तस्वीर लेकर के पटना से आए थे, द ग्लास ब्रिज। और हमारी बस अपनी अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई, वहां से कुछ दूर पैदल चलना पड़ा और यहां फिर से 125 रुपये का टिकट लेना पड़ा, जो कि आपके कदमों को ब्रिज में टिकाने का एक सबूत था। फाइनली हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। राजगीर का सफ़र हमारे लिए वाकई बहुत ही रोमांचक था। वैसे तो वहाँ प्राकृतिक ने अपना रंग कूट कूट करके भर दिया है, जिसे हम यूं को कैमरे में कैद करके महसूस नहीं कर सकते, जो वहाँ जा करके पाई जा सकती है। वैसे वहाँ और भी कमाल की चीज़ें हैं, जिसे देखना बहुत ही सौभाग्य की बात है, जैसे घोड़ा कटोरा, स्वर्ण भंडार, गर्म कुंड। पर वक्त की कमी की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए, पर अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं कुछ नया लेकर के। अलविदा।